हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे विंडो 11 का पासवर्ड कैसे रिसेट करते हैं बिना कोई टूल के। वो वीडियो पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नई नई टेक्निकल वीडियो के लिए। तो जानते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले विंडोज़ को रिस्टार्ट करेंगे शिफ्ट की प्रेस करके, मतलब कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करनी है। उसके बाद रिस्टार्ट को क्लिक करना है। तो सबसे पहले शट डाउन की को क्लिक करना है, उसके बाद रिस्टार्ट को क्लिक करना है। ध्यान रहे शिफ्ट की दबी होनी चाहिए। उसके बाद ये रिस्टार्ट एनीवेयर को क्लिक करना है। उसके बाद ये विंडो रिस्टार्ट होने लग जाएगी इस तरह से। उसके बाद शिफ्ट की को छोड़ देना है। उसके बाद ये कुछ टाइम में विंडो रिस्टार्ट हो जाएगी इस तरह। उसके बाद ये विंडो शो हो जाएगी। इसमें ट्रबल शूट को क्लिक करना है, यहाँ एडवांस ऑप्शन को क्लिक करना है, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक करना है। उसके बाद इस स्क्रीन पर टाइप करना है NOTEPAD नोटपैड। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करनी है। उसके बाद ये विंडो शो हो जाएगी। इसमें ऊपर फाइल को क्लिक करना है, उसके बाद ओपन को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ डबल क्लिक करके स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में दिस पीसी को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ विंडोज़ वाली सी ड्राइव को क्लिक करेंगे। उसके बाद विंडोज़ फोल्डर को क्लिक करेंगे और इसमें सिस्टम 32 फोल्डर को क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइल्स ऑफ टाइप के आगे ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे इस तरह। उसके बाद एक कोई भी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे UTI। उसके बाद ये यूटिलमेन फाइल को राइट क्लिक करेंगे और रीनेम को क्लिक करेंगे। इसमें यूटिलमेन के बाद यहाँ ओल्ड ऐड कर देंगे इस तरह। उसके बाद कहीं भी खाली जगह पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से CMD टाइप करेंगे। उसके बाद ये CMD फाइल शो हो जाएगी इस तरह से। इसको राइट क्लिक करेंगे और रीनेम को क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें CMD हटाकर UTIL MAN यूटिलमैन नाम दे देंगे। उसके बाद कहीं भी खाली जगह पर क्लिक करेंगे और इस विंडो को क्लोज कर देंगे। ये पॉपअप शो करे तो इसको ओके कर देंगे और इस विंडो को क्लोज कर देंगे और इसको भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये विंडो रिस्टार्ट होगी इस तरह से। उसके बाद ये स्क्रीन शो हो जाएगी। इसमें राइट साइड में नीचे एक्सेसिबिलिटी को क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये विंडो शो हो जाएगी। इसमें टाइप करेंगे LUSRMGR.MSC। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद ये विंडो शो हो जाएगी। इसमें यूजर्स को डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सारे यूजर की अकाउंट लिस्ट शो हो जाएगी। इसमें जिसका भी पासवर्ड रिसेट करना है उसको राइट क्लिक करेंगे और सेट पासवर्ड को क्लिक करेंगे या प्रोसेस को क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके को क्लिक करेंगे, फिर से ओके करेंगे और इस विंडो को क्लोज कर देंगे और इस विंडो को भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ एरो की को प्रेस करेंगे या इंटर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका इस तरह से पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की नई नई टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब के लिए बाय।